फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनॉल, तो सबसे पहले इसका एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे आपको फेनॉल दिया गया, फेनॉल पे ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक होता है। ये हाइड्रोजन क्या होता है आपका? एसिडिक होता है। इसी के कारण ये आपको सेवरल रिएक्शन जाता है। जैसे इसको अगर सोडियम या पोटासियम मेटल के साथ आप रिएक्शन करते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये सॉल्ट बनाता है, सोडियम फेनोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस का इफेक्ट छोड़ता है। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है से कराते हैं, तो ये आपको एसिड बेस रिएक्शन जाएगा और आपको सोडियम फेनोक्साइड का सॉल्ट मिलेगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन OH- माइनस रिएक्शन करके आपको वाटर पोटासियम कहते हैं, पोटासियम। ठीक है, इसके बाद आप रिएक्शन देख सकते हैं सोडियम अमाइड से। इसे जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और आपको देगा सोडियम फेनोक्साइड एंड अमोनिया गैस आपको मिलेगा। अगर आप कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, याद होगा आपको, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके कारण से ये भी बेसिक नेचर का होता है। ये बेसिक कार्बन आपको इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, बना लेगा आपको RH अल्केन बनेगा। क्या बनेगा आपको? अल्केन बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा? Mg के साथ एक तो हेलोजन लगा होगा और एक OPH लगेगा, ऐसे इसका आपको फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर आप इसमें पाइरीडीन का यूज करते हैं, तो पाइरीडीन बेस होने की वजह से इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले सकते हैं। ठीक है, और एक सॉल्ट बनाएगा PHO- ये आपको सॉल्ट को बनता है। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शन है जो आपको जाते रहते हैं। इसके अलावा एक इसका बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसका रिएक्शन जब CH2N2 डाई एजो मीथेन करते हैं, से जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन जाता है। क्या बनाएगा आपका? O- एसिडिक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा प्लस CH3N2+। लेकिन ये क्या है आप? ये आपका है गुड लिविंग ग्रुप, और इसीलिए बैक साइड से अटैक करेगा और आपको देगा, क्या देगा आपको? ओ CH3+N2 गैस, N2 गैस आपको मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनका कुछ यूज करना हम लोग सीखते हैं, कैसे इनको हम एक दूसरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है।
एक दो यूज देखते हैं। जैसे अगर हमें ये कह दिया जाए कि फिनॉल है और इसका रिएक्शन C2H5MgCl से कहा, तो क्या होगा? कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ये बेस है, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और बना लेगा CH3CH2। ये ऑलरेडी है पहले से, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लेकर जोड़ दिया, आपको ईथेन अल्केन का फॉर्मेशन होगा और साथ साथ में इमेजिंग के साथ CA और PH जो बच गए वो आपको इस तरह से बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक बेंजीन रिंग है और इसमें दो OH, इसका रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया जाए क्या बन जाएगा आपको? सर थोड़ा स्टेप्स ध्यान रखिएगा, O माइनस एंड O माइनस एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा आपको, ठीक है। और इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए CH2Br एंड CH2Br, ठीक है। एसिड को रिएक्शन आपको जाएगा क्या बनेगा आपको? आपको सीधे बन जाएगा O O CH2 आपको बनेगा। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आप ध्यान रखें, एक और पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम लोग असाइलेशन ऑफ फेनोल। तो उसमें क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी इसको याद रखिए। जैसे आप फेनॉल ले लीजिए, ठीक है, इस फेनॉल का रिएक्शन आप या तो बेस से कर लीजिए या तो आप पिरिडीन से करा दीजिए, ये भी बेस है ये भी बेस, एसिडिक हाइड्रोजन को ये लेंगे क्या बन जाएगा? फेनोक्साइड आयन आपको बन जाए। अगले स्टेप में आप क्या करिए, इसको CH3C OCl या एसिडिक एनहाइड्राइड इनमें से किसी के साथ भी इसका रिएक्शन करा दो। इसका मैकेनिज्म आपको मैं सिखाऊंगा, अगर ये यहां रहेगा तो इस तरह से बाहर आपको बनेगा क्या, ठीक है, CH3C OH, ठीक है, CH3C OH। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते, फिनॉल देन ऑक्सीजन देन C OH देन CH3। आप इस तरीके से पीछा है तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हम लोग अक्सर इसको यूज करते रहे, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको इसके जगह पर ये दे दिया जाए OH एंड OH इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? O माइनस। और इसका रिएक्शन करवा दीजिए C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। ये आपको यहां पर अटैक करेगा और ये आपको यहां क्या बन जाएगा एंड में, आपको एंड पे आपको बनेगा O C डबल बॉन्ड O C
सी डबल बॉन्ड, इसका आपको कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना होता है जिसका नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जनरल रिएक्शन ये है, ओ सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, इसको जब हम 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो हमें सी एस टू सी एच सी एस टू का फॉर्मेशन। इसमें देखने वाला इसका नाम क्या है, एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर इसका नाम। इस रिएक्शन में हमें ये देखना है कार्बन 14 जो रिंग से अवे था वो रिएक्शन के बाद कार्बन 14 डायरेक्टली रिंग से जुड़ गया। इसको याद रखने के लिए लोग पल्टी मार रिएक्शन भी करते हैं, उलट जाता है, पल्टी मार रिएक्शन से भी लोग इसको याद रखते हैं। मैकेनिज्म इसका हमें पढ़ना था, देखिए मैकेनिज्म क्या है। जब हम इसको हीट करते हैं ओ सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, ठीक है, ये कार्बन 14 है, देख लीजिए ये वही कंपाउंड को दिया गया। ठीक है, होता यहां पर ये है कि इस कार्बन पर ये आपको अटैक करता है, ये यहां आता है और ये यहां। ठीक है, और ऐसा करने से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन, ये बॉन्ड पूरा रहेगा, सी एस टू सी एच सी एस टू, यही एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन। ठीक है, ये प्रोसेस आगे आपको कंटिन्यू कर जाता है और बनता है आपको, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ब्रेक कर जाता है सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एस टू 14, देख लीजिए बढ़िया से, ये आपको फॉर्म कर रहा है, ये आपको ब्रेक कर रहा है, फॉर्म करेगा ब्रेक करेगा, फॉर्म करेगा ब्रेक करेगा, फॉर्म कर रहा है तो बना दिए, ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक कर दिए, फॉर्म कर रहा है बना दिए, ब्रेक कर रहा है ब्रेक कर दिए, फॉर्म कर रहा है। यहां पर पहले से ही हाइड्रोजन होता है, उसी को मैंने यहां दिखाया। ये आपको अगला स्टेप है टॉटोमराइजेशन का, क्या होता है आपको टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइज कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन है और ये दिया, अब आपको क्या बन जाएगा, अब आपको बनेगा OH CS2 14 वाला CH डबल बॉन्ड CS2। देखिए यही चीज है, फिनॉल है एडजेसेंट पर CS2 14 कार्बन, यही आपको बनता है। ठीक है,
इसकी कुछ ध्यान रखिएगा, ये उलट करके आकर झुकता है। इससे कुछ और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे अगर आप ओ सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, यहां अगर ड्यूटेरियम लगा रहे और एक साइड अगर आपको हाइड्रोजन लगा रहे, एक साइड क्या लगा है ड्यूटेरियम और एक साइड हाइड्रोजन, तो दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटी से इस साइड या इस साइड, ये इस साइड आ सकता है या इस साइड आ सकता है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये ग्रुप इस साइड आता है तो अगली बार इसको ड्यूटेरियम को टॉटोमराइज करना होगा, और ड्यूटेरियम को जब टॉटोमराइज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि ड्यूटेरियम के साथ टॉटोमराइजेशन एक्सटेंड कम जाएगा। तो इस साइड जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, अगर ये ग्रुप इस साइड आता है, इस साइड और इस साइड बात तो बराबर ही हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अगर ये ग्रुप इस साइड आया होता, सारा चीज ट्रांजिशन स्टेट इस साइड से बना होता, तो टॉटोमराइजेशन में यहां से हाइड्रोजन को जाना होता और वैसे केस में ड्यूटेरियम के जाने से आसान होता, और इसीलिए जो प्रोडक्ट इसमें आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ड्यूटेरियम को एज इट इज छोड़ दीजिए और इस साइड आप इसको ले लीजिए सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, ये आपको बने। अगर आपको इसमें ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए कि थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एस सॉरी सी एस टू सी एच सी एस टू रहे, ठीक है, और एक साइड मिथाइल रहे और एक साइड हाइड्रोजन, तो मान लीजिए कि इसको हम इस साइड ले आकर के ट्रांजिशन स्टेट बनवा लेंगे, तो यहां पर तो फिर मिथाइल आ जाए, मिथाइल टॉटोमराइजेशन जाता नहीं है, ठीक है, तो जब टॉटोमराइजेशन जाएगा नहीं तो एरोमेटिसिटी को वो वापस गेन कैसे करेगा, यानी कि वो लेस स्टेबल रह जाएगा, यानी वो इस साइड नहीं आएगा, वो आपको इस साइड आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब ऐसा केस हो तो लिख सकते हैं हम लोग ये एज इट इज रह जाएगा, ये OH बनेगा और इस साइड आपको क्या जाएगा सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एस टू आपको बनेगा। तो अगर इस तरीके से इन सब छोटी छोटी बातों को भी आप ध्यान रखिए, अगर आपको दोनों साइड ही मिथाइल आ जाए तब फिर हमें क्या करना होगा, उसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए जिसमें दोनों साइड ही मिथाइल लगा हुआ, ये वेरी स्पेशल केस है, इसमें कार्बन होंगे तो फिर रिएक्शन कैसे होगा, तो पहले हीट करने में किसी एक साइड ये उलट करके आकर जुड़ेगा, उसको आप जोड़ दीजिए, तो इस साइड लाना है तो इस साइड ले आकर जोड़ दीजिए उसको, क्योंकि दोनों साइड तो एक ही जैसे है, उसको ले आकर के आप जोड़ दीजिए, ठीक है। सी एस थ्री रहेगा, यहाँ पर ओ रहेगा, यहाँ पर सी एच थ्री आएगा और ये उलट कर लिया करके जोड़ दीजिए सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, उलट कर आता है तो 14 आपको किए गए, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर यही हाइड्रोजन होता टॉटोमराइज कर जाता, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है इसलिए टॉटोमराइज नहीं, तो जब टॉटोमराइज नहीं करेगा तो इनका क्या होगा, ये देखिए इनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। ये एरोमेटिसिटी को पाने के लिए फर्दर आप ये इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये आपको इसके ऊपर अटैक कर रहा है, और आपको अगले स्टेप में देने वाला है, ठीक है, सी एच थ्री डबल बॉन्ड को इसको यहां जोड़ देना है C
सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, सी एच टू 14 अंत में आ जाए, ठीक है। और यहां पर आपको एक डबल बॉन्ड, ये सी एच थ्री आपको दिख रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पहले से ही क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। यही आपको टॉटोमराइज कर रहे हैं। जब ये टॉटोमराइज करेगा तो कुछ इस तरीके से आप इस साइड से भी दिखा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या बन जाएगा, ओ एच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी एस थ्री, सी एस थ्री सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू कार्बन 14 आपको यहां है। तो यहां एक चीज देखने वाला है कि कार्बन 14 शुरू में अवेलेबल है बेंजीन रिंग्स, जब पहली बार उल्टा तो नजदीक आ गया, डायरेक्टली जुड़ गया, और फिर से उल्टा तो फिर कार्बन 14 आपको अवे चल गया। इसीलिए बार बार पलटता है, ऑर्थो पर जाने के लिए भी एक बार पलटता है और पारा पर जाने के लिए फिर से एक बार पलटता है, इसीलिए इसको पल्टी मार रिएक्शन कहा जाता है। एक ऐसा ही पैटर्न पर एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे इसको आप देखेंगे, अलाइन विनाइल ईथर, अलाइन विनाइल ईथर, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको बनाना, ठीक है, इस तरह का रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपको, इसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड आपको यहां बनेगा, ये यहां बनेगा और ये बॉन्ड आपको यहां बनेगा, ठीक है। ऐसा करने से आपको क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CHCH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इसका फॉर्मेशन होता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ये इनके इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑन द सेम पैटर्न ये रिएक्शन आपको जाता है, सेम पैटर्न पर ही आपको रिएक्शन जाता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक इस तरह का और रीअरेंजमेंट है जिसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या नाम है इसका, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जैसे जनरल रिएक्शन अगर देखें, इसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस स्लिप, तो हमें प्रोडक्ट OH C डबल बॉन्ड OCH3, ये आपको मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन यही अगर इसको लेविस स्लिप के प्रेजेंस में लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पर हिट करते हैं तो हमें ये हमें मेजर प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है, ठीक है। इस चीज को हमें सीखना है। तो ऐसा क्यों होता है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं रूट ए और इसको मान लेते हैं रूट ए। ए क्या है, अगर हम इसको ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो क्या होगा,
तो सबसे पहले ओ सी डबल बॉन्ड वो सी एस थ्री का लेविस एसिड के साथ रिएक्शन होता है, ये लेविस बेस से रिएक्शन कर जाता है, वो सी एल थ्री एल माइनस प्लस सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। हीट हम कितना किए हुए ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर आप हीट करते हो तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ये यहां रहेगा आपको ठीक है, और ये आपको यहां चलाता है, क्या बनता है आपको सी डबल बॉन्ड वो सी एस थ्री, यहां एक एच पहले से है ठीक है, डबल बॉन्ड ओ ये यहां से आप हटा दीजिए, क्या बन जाएगा आपको, ये जब हट जाएगा यहां से तो आपको बन जाएगा यही आपको टॉटोमराइज कर जाता है, टॉटोमराइज करने से ये बनता है आपको ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री आपको मिलता है ठीक है। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें इंट्रा मतलब ऑर्थो पोजीशन पर जो ये जाता है ये ज्यादा स्टेबल होता है और कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो लिखेंगे एट हायर टेम्परेचर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन occurs and no cross over product is formed, no cross over product is formed। आप कहेंगे कि ऑर्थो ही क्यों हुआ, इसके पीछे एक कारण होता है, वो कारण ये होता है कि इस स्टेप में जब हम आगे बढ़ते हैं जिसको मैंने नहीं डिटेल में दिखाया, वो रिसर्च में ऐसा पता चला है कि यहां पर आपको जब ये जुड़ता है ये होता है तो इसके बाद एक सीएल यहां से बाहर निकल जाता है और बनता है यहां सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ओ एल सी एल टू, ये एक स्टेबल स्पेसी का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल इंटरमीडिएट एट इलेवेटेड टेम्परेचर ठीक है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, क्या होता है थर्मोडायनेमिकली टीज थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है और इसीलिए ऑर्थो के रास्ते से ही ये जाता है ठीक है, लेकिन अगर लो टेम्परेचर हम यूज करें तो क्या होगा, अगर इसको लो टेम्परेचर पर देखा जाए, अगर इसको लो टेम्परेचर देखा जाए एट लो टेम्परेचर, तो ऐसे केस में सबसे पहले ठीक है ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी थ्री का रिएक्शन
लेविस एसिड से होता है। ओ AlCl3- प्लस C डबल बॉन्ड OCl। लो टेम्परेचर पर ये जो बनाए थे हम लोग वो स्टेबल नहीं हो पाता और ये यहां से फ्री हो जाता, ये यहां से फ्री हो जाता और आपको बनता है ये वो, ठीक है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O+ फ्री फॉर्मेशन होता है, फ्री हो जाता है और तब ये इससे अलग हो गया तब क्या करके ये जुड़ता है। ये OH बन जाता है और ये यहां ये तो हट जाता है C डबल बॉन्ड O CH3। यही आपको मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। जब ये इससे ये टूट कर अलग हो गया तो यहां क्रॉस ओवर प्रोडक्ट के चांसेस है। क्रॉस ओवर प्रोडक्ट इज फॉर्म, इसका क्या मतलब है? तो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लीजिए OC डबल बॉन्ड OCH3 कुछ ले लीजिए और एक और ऐसा ही ले लीजिए C डबल बॉन्ड O, इसको डिफरेंट कर दीजिए CH2CH3 कर दीजिए, ठीक है, और यहां पर भी कुछ लगा लीजिए अपने से इथाइल कर दिए तो यहां पर भी कुछ कर लीजिए CH2CH3 कर दीजिए, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसको रिएक्शन आप लो टेम्परेचर पर कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl, इन दोनों में इससे भी अलग हो जाएगा और इससे भी अलग हो जाएगा। तो जब इससे अलग हो जाएगा तो अगला स्टेप में जब जुड़ना है तो ये इसके वाले से भी जुड़ सकता है और इसके वाले से भी जुड़ सकता है। इसी तरह से ये भी जब अलग हो चुका है तो ये अगला स्टेप में ये वाला इस वाले से भी जुड़ सकता है, इस वाले से भी जुड़ सकता है ना। इसीलिए आपका प्रोडक्ट जो है वो चार बने, OH CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 एक ये बनेंगे और ये निकलकर इसमें भी जुड़ेंगे। उस समय क्या बनेंगे? OH CH2 CH3 ये लगा हुआ रहेगा और यहां C डबल बॉन्ड OCH3। इसी तरह से इसके साथ भी होगा, OH होगा, ये खुद नीचे आए CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बनेगा प्लस ये इससे आकर जुड़ेगा OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 आपको बने, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी बन सकता है। क्या बन सकता है? आपको क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी आपको बन सकता है, ठीक है।